भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से उसके निगम पार्षद गरीब रेहड़ी पटरी वालों से पैसे की उगाही करवा रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें बिंदापुर इलाके में निगम पार्षद देशराज राघो की शहपर मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल वीकली बाजार से रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लेते हुए देखे जा रहे हैं। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता यासिर जिलानी उपस्थित थे। प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि पहले भी जब हमने आम आदमी पार्टी के पार्षद पर पैसे उगाही के आरोप लगाए थे तो मुझे और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को लीगल नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार चाहे जितने भी नोटिस भेजे हम ऐसे भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कहा अगर हमारी पार्टी से जुड़ी ऐसी कोई वीडियो आएगी तो हम उसके आधार पर ऐसे नेता को पार्टी से निकालने में एक मिनट नहीं लगाएंगे। आप एक आदमी से 500-500 रुपया केवल एक दिन का शाम का इकट्ठा किया जा रहा है एक रेडी वाले से, तो क्या एक रेडी वाला 500 रुपए कमाता है शाम का और उसको धमकी दी जाती है अगर पैसा नहीं देंगे तो कल से रेडी नहीं लगने। तो ये जो आम आदमी पार्टी का वार्ड अध्यक्ष वहां पर ऐसे खुलेआम रेडी वालों से पैसा ले रहा है क्या, तो कितना पैसा इकट्ठा होता होगा? और ऐसे दिल्ली में हजारों लाखों रेड़ी पटरी लगती है, ऐसे वीकली बाजार लगते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लोगों को क्या टारगेट मिला कि वो ऐसे हर रोज इतना लाखों रुपए इकट्ठा कर किसकी जेब में जा रहा? राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर।